प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोग जल ही जीवन अध्याय पढ़े थे और आज हम लोग उसी अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? अपनी बुक खोल लीजिए और ध्यान से देखिए। मैं अभ्यास कार्य करवाने वाली हूँ। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, पहला प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे क है। जल आवश्यक होता है मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पौधों के लिए या इन सभी के लिए। तो मैं आपको बताई थी, जल आवश्यक होता है इन सभी के लिए। ठीक है ना, मानव के लिए भी, पेड़ पौधे के लिए भी, पशु पक्षी के लिए। तो यहाँ पे टिक कर देंगे इन सभी के लिए। ठीक है, ख हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? 1-2 गिलास, 15-20 गिलास, 8-10 गिलास या 4 से 5 गिलास। तो सही जवाब होगा 8 से 10 गिलास। ठीक है, गौ में है, स्वच्छ जल कैसा होता है? स्वच्छ जल कैसा होता है? सुंदर रंग वाला, मीठा स्वाद वाला, अच्छी गंध वाला या बिना रंग, गंध और स्वाद वाला? तो सही जवाब होगा बिना रंग, गंध और स्वाद वाला। ठीक है, अब है घ, पानी की आवश्यकता इनमें से किस काम में नहीं पड़ती है? किस काम में नहीं पड़ती, किस काम में पड़ती है, ऐसा नहीं है किस काम में नहीं पड़ती है। ठीक है, भोजन पकाने में, उद्योग धंधे में, खेती में, कपड़े सिलने में? तो सही जवाब होगा कपड़े सिलने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। उचित मिलान कीजिए, यानी सही मिलान कीजिए। पानी पीने से शरीर की सफाई होती है। देख रहे हैं, मिलान किया हुआ है यहाँ पे। कुओं का जल प्रायः दूषित होता है। प्रायः क्या होता है? दूषित होता है। ग, पानी से बिजली भी तैयार होता है। बताया गया था पानी से बिजली भी तैयार होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है? पाठ के अनुसार सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, पहला है, संसार के हर प्राणी को पानी की आवश्यकता है। सही सही है, ये पानी की आवश्यकता हर एक जीव को है। ठीक है, ख, पेयजल दूषित होता है। नहीं, पेयजल दूषित नहीं होता है, इसलिए ये गलत का निशान लगा दिया गया। ग, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए। तुरंत बाद पानी पीना चाहिए, मैं बताई थी नहीं पीना चाहिए तुरंत बाद, तो ये मैं यहाँ पे गलत का निशान लगा दिया गया है। ठीक है, घ, अनेक उद्योगों में भी पानी की आवश्यकता होती है। सही सही है, इसमें सही का टिक कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। केवल 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। केवल 1 या 2 शब्द में उत्तर लिखिए। को है, हमारे शरीर में लगभग कितना भाग पानी का होता है? 2/3 भाग, ये सही जवाब है। ख, पानी न पीने से हमें क्या महसूस होती है? कमजोरी, सही जवाब। ग, हमारे देश में कैसे पानी की कमी है? हमारे देश में पीने योग्य पानी यानी पेयजल की कमी है। घ, हमें सदा कैसा जल पीना चाहिए? तो सही जवाब पेयजल। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क, कुओं और तालाबों का जल कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? कुओं और तालाबों का जल दूषित होता है। ख, दूषित पानी पीने से क्या हानि हो जाती है? उत्तर, दूषित पानी पीने से अनेक रोग हो जाते हैं। प्रश्न संख्या ग, कुओं और तालाबों के पानी को पीने योग्य कैसे बनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, कुओं और तालाबों के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसे उबालकर और छानकर पीना चाहिए। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या घ पे। प्रश्न संख्या घ बोल रहा है, नगरों में अनेक स्थानों पर पानी क्यों व्यर्थ बहता रहता है? तो इसका सही जवाब होगा, नगरों में अनेक स्थानों पर पानी प्रायः लोग नल को बंद नहीं करते हैं, इसीलिए व्यर्थ पानी बहता रहता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 5 प्रश्न कम पूरा कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 6, 2 अथवा 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न क बोल रहा है, पीने के अलावा पानी का उपयोग और किन कामों में किया जाता है? तो पीने के अलावा पानी का उपयोग नहाने में, खाना बनाने में, सफाई करने में, सिंचाई करने में, इस तरह के कामों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या ख, हम पानी का दुरुपयोग कैसे रोक सकते हैं? तो मैं पाठ में पढ़ाई थी कि हम पानी का दुरुपयोग कैसे रोक सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा, अक्सर सार्वजनिक जगहों पे नल को खुला छोड़ दिया जाता है, तो नल को हम बंद करके पानी का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भाव, चिंतन और कल्पना। सोचिए, यदि पानी नहीं होगा तो कौन कौन से काम रुक जाएंगे? अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग पानी पी नहीं सकेंगे, इसलिए जीवित नहीं रह पाएंगे, खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी और बहुत से कार्य जो हैं रुक जाएंगे। ठीक है, 2 में देखते हैं, बारिश आने पर आप छाते के अलावा जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जैसे कि छाते के अलावा हम किसकी चीज़ों का यूज करते हैं? बरसाती कोट और रबड़ के जूते का, यहाँ पे टिक कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग भाषी कार्य की ओर चलते हैं। भाषी कार्य, प्रश्न संख्या क, प्रश्न संख्या 1, 1 में कहा जा रहा है, नीचे गलत लिखे हुए शब्दों को ठीक करके लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साधारण, लेकिन जो पहले साधारण लिखा हुआ, 100 में आ की मात्रा छूटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सही तरीके से मैं लिख दी हूँ, आप लोग भी अपने अपने बुक में लिख लेंगे। टोटी, कीमत, बेचैन, यहाँ पे क्या लिखा है? बेचैन लिखा हुआ, लेकिन होगा कैसे ही? बेचैन, दूषित, उद्योग। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, आपस में उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलान जोड़े बनाइए और उन्हें फिर खाली स्थान में लिखिए। जैसे यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है, आपको जोड़ा बनाना है और उसको जोड़ा बना के फिर लिख लेना है। ठीक है ना, मिलान करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे है दुरुपयोग, सदुपयोग, ठीक है, स्वच्छ, दूषित, आवश्यक, अनावश्यक, गाँव, शहर। ठीक है, इस तरीके से जुड़ा बना के और यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, सामने कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे 2-2 दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से आपको सही जवाब भरना है और अंडरलाइन यहाँ पे करना है, यानी नीचे में लाइन भी खींच सकते हैं आप। ठीक है, जैसे पानी में कोई गंध नहीं होती है, यहाँ पे क्या भराएगा? होती। पीने के पानी को उबालकर डैश चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है, पानी हमारे शक्ति बढ़ाता है, यहाँ पे भराएगा। पानी से बिजली बनती है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? बनती। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको एकवचन और बहुवचन पढ़ना है, उसका उदाहरण, उसका परिभाषा भी यहाँ पे दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं। जो शब्द एक होने का ज्ञान कराते हैं वे एकवचन, तथा जो शब्द अनेक होने का ज्ञान कराते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिससे एकवचन का बोध होता है वो एकवचन कहलाता है, जिसे अनेक का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुआं यानी एक कुआं, कुओं यानी अनेक कुओं,
तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है नीचे लिखे शब्दों में बहुवचन शब्दों पर गोला बनाइए, बहुवचन शब्दों पर यहाँ पे गोला बना लेना है, ठीक है। जैसे कुओं, कुओं कुओं का मतलब अनेक कुओं, तो ये बहुवचन हो गया, इसको गोला बना लेंगे। उद्योग यानी एक ही उद्योग के बारे में बोला जा रहा है। तालाबों, तालाब यानी अनेक तालाबों, इसको गोला बना लेंगे। नहर, एक नहर। गांव, एक गांव। नगरों यानी अनेक नगरों। प्राणियों यानी अनेक प्राणियों। बाग यानी एक बाग। खेतों यानी अनेक खेतों, तो ये बहुवचन हो गया, तो इसमें गोला लगा दिया गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिस जिस पे गोला लगाया गया है उन सभी का मतलब बहुवचन हुआ, ठीक है। बगीचों बहुवचन, नल एक वचन, स्थानों बहुवचन, बहुवचन को हम गोला लगा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 5। समानार्थी शब्दों का उचित मिलान कीजिए। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। स्वच्छ, शुद्ध और साफ। प्रतिदिन, रोजाना, डेली। दूषित, गंदा। पेय, पीने योग्य। प्रश्न संख्या 6। नीचे लिखे गए शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य जानते हैं आप सभी, बिल्कुल जानते हैं, तो हम लोग वाक्य बनाएंगे यहाँ पे। आप चाहे तो पाठ से संबंधित बना सकते हैं या फिर आप खुद के मन से भी बना सकते हैं। जैसे है यहाँ पे जीवन, मैं यहाँ पे बनाई हूँ जल ही जीवन है। शरीर, हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। पानी, हमें पीने के पानी को उबालकर पीना चाहिए। शुद्ध, हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा अभ्यास कार्य, बहुत ही आसान है ये, और आप लोग इसे अभ्यास करते रहें ताकि आप कभी ना भूलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।